हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल इजी सरकारी एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, इसमें हम जो बताने वाले हैं फ्रेंड्स, वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और कौन सी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है जनरल के लिए, ठीक है, नॉन शेड्यूल एरिया और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं जनरल के लिए। ठीक है, तो सब कुछ इसमें आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे जनरल के लिए, जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी, तो जनरल में 3 है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो। फिर एससी के लिए आया, फिर एसटी के लिए, फिर ओबीसी के लिए, फिर एमबीसी के लिए, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आप पूरा डिटेल देख सकते हो इसमें। ठीक है, बाकी हम चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो बेसिकली से राजस्थान वाले लोग ही भर पाएंगे। राजस्थान में जिसका आधार कार्ड वगैरह प्रॉपर तरीके से रह रहा है, मतलब क्या बोलते हैं कि एड्रेस प्रूफ हो, तो वही फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओके। इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है कि किस एज के लिए कितना वर्ष तक छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वेतन का रनिंग पे बैंड की बात किया है, तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल L11 और ग्रेड पेड होगा 4200। ठीक है, तो भी आप देख सकते हो पे कैसे दिया जाएगा। ठीक है, आगे वो भी डिस्कस करेंगे। अभी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आवेदन की अवधि क्या है और कब से कब तक है, आवेदन प्रक्रिया क्या है कब से कब तक है, वो भी आप देख सकते हैं। और कैसे फॉर्म फिल करेंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इजीली इस फॉर्म को फिल कर दूंगा और कोई भी पेमेंट नहीं लूंगा। ओके, तो एक बार ये पंजीनीय शुल्क की बात किया है, तो 19/04/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं हेतु एक बार ये पंजीय शुल्क निर्धारित किया गया है। सामान्य के लिए 600 रुपये, आरक्षित के लिए भी 600 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। आइए और देख लेते हैं। नियम 14 के अनुसार फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपका सिलेबस में रहेगा, क्या चीज़ सिलेबस में अवेलेबलिटी रहेगी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे जनरल सिंधी रहेगा आपका 2 घंटे का, 200 मार्क्स का। जनरल नॉलेज रहेगा 2 घंटे का, 200 मार्क्स का। ठीक है, द कमीशन शैल नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 36% मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपका 36% में आया तो मार्क्स आया है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दी जाएगा। ठीक है, यदि आपको 45% आपने अचीव किया है तो मे बी चांस है कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, कौन सा ब्लू बॉल पेन यूज करना है, ऐसा कि नहीं आपको जेल पेन यूज कर लेना जल्दी बबल्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जितने भी स्टेट लेवल के या बोले तो इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा आपको ब्लू बॉल पेन ही यूज करना है। अब डिपेंड करता है कि ब्लैक कलर है या ब्लू कलर है, वो मैटर करता है, लेकिन बॉल पेन, आपको बॉल पेन बोले तो डॉट पेन बोल सकते हो आप। जैसे आप कोई भी जेल पेन वगैरह यूज करोगे तो आप पूरा स्पेलेज होता फैल जाता है पेपर पे, इसलिए उसको प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु और क्या है वो भी देख लेते हैं इसमें। और कुछ तो खास दिख नहीं रहा, बाकी तो अगर लगता है आपको डिटेल के बारे में आप पढ़ सकते हो। बाकी आपकी जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बोले तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, कास्ट सर्टिफिकेट आप उसको लगा सकते हैं, लगाना पड़ेगा। अगर आपको बेनिफिट लेना है एज के रिगार्डिंग तो वो लगाना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये टोटल आज का था एसआई से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको फॉर्म फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।